अभी हम कुछ बोलेंगे सर, नहीं सर, सर आपको कमी रह गई है। कहाँ कमी रह गई है भैया? अभी कुछ मैं नहीं बोलूँगा। ईवीएम ईवीएम भी खराब है, ईवीएम खराब है, काउंटिंग बाकी है, ईवीएम खराब है, कमी है। तो आप क्या काउंटिंग छोड़ करके जा रहे हैं? आप जा नहीं रहे, आ रहे हैं, आएंगे तुरंत आएंगे। क्या आप मानते हैं इसको? आएंगे भैया, मैं बोल रहा हूँ। चल पहले तो डुमराव के तमाम मतदाताओं को, नागरिकों को, माताओं को, बहनों को, युवा दोस्तों को, अपने बुज़ुर्गों को मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मेरे जैसे एक नौजवान को, एक आम आदमी को उन्होंने चुना है, उन्होंने इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है। मेरी आने वाले समय में कोशिश रहेगी कि उन्होंने जिस उम्मीद के साथ मुझे चुना है उनकी उम्मीदों को मैं पूरा करने की पूरी कोशिश करूँगा। कितना टफ था आपकी लड़ाई की? वहाँ से ददन यादव भी मैदान में थे और डुमराव महाराज परिवार से भी एक व्यक्ति थे, जदयू से अंजुम आरा खड़ी थी। कितना टफ? ठीक है, बिल्कुल, ये लड़ाई बहुत टफ थी, लेकिन जैसे ही हम मैदान में आए और जनता का जो सपोर्ट मिला, वैसे ही धीरे धीरे लड़ाई बहुत आसान होती गई और अंततः ये लड़ाई जनता की लड़ाई हो गई, ये मेरी लड़ाई नहीं थी। जब जनता खुद से लड़ रही थी, और मैंने कहा भी था कि चूंकि ये चुनाव नहीं मात्र है, यह एक बहुत बड़ा आंदोलन है जो रोजगार के सवाल पर संगठित हुआ है, जो खेती और किसानी के संकट के सवाल पर संगठित हुआ है, और मैंने उसी समय कहा था कि देखिए आंदोलन में कभी जनता की हार नहीं होती है, इसलिए ये जीत मेरी जीत नहीं है, चूंकि लड़ाई भी सिर्फ मेरी नहीं थी, ये लड़ाई डुमराव की जनता की थी और जीत डुमराव की जनता की ही है। जीत के पीछे कारण हमने जो सवाल उठाए, जो कि वो जिन्विन सवाल हैं, रोजगार का जिस तरीके का बड़ी समस्या देश के अंदर है, बिहार के अंदर है, वो एक बड़ा कारण था और इसको जनता ने समझा। और सबसे बड़ा कारण है कि इस बार डुमराव की जनता ने जनता के मुद्दों पर वोट दिया है, वो किसी के बहकावे में नहीं आई है, ये सबसे बड़ा कारण। के बीच आप क्या मुख्य मुद्दों को लेकर आगे बढ़ेंगे? हमारी पार्टी के वो सारे मुद्दे हैं जो मैं चुनाव में कहता रहा हूँ, कोई अलग मुद्दा मेरी पार्टी लेकर नहीं चलती है। हम रोजगार के सवाल पर लड़ते रहे हैं, चुनाव लड़ने से पहले मेरे पर रेलवे रोकने और उसमें निजीकरण के खिलाफ लड़ने के कई सारे मजबूत FIR हैं, जिसमें मुझे कई सारी लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी कोर्ट में। तो हम लोग रोजगार के सवाल पर बहुत वोकल तरीके से लड़ते रहे हैं। हमारी लड़ाई खेती और किसानी को बचाने की लड़ाई है, किसानों को बचाने की लड़ाई है, मजदूरों की ज़िंदगी को बेहतर बनाने की लड़ाई है। जिस तरीके से कोरोना के दौर में मजदूरों को अपमानित किया गया, उनका सम्मान वापस लौटाना ही हमारी लड़ाई का मुख्य मकसद है। हम इस लड़ाई को लेकर के आगे बढ़ेंगे। जिसके बाद डुमराव विधानसभा क्षेत्र की जनता के लिए कोई संदेश आपका? नहीं, बिल्कुल संदेश है कि आपने जो जिस उम्मीद से मुझे चुना है, आप उम्मीद हम पर बरकरार रखिए और मैं कभी भी अपने जीवन में जीते जी जब तक मैं जिंदा हूँ, मैं आपकी उम्मीदों को धूमिल नहीं होने दूंगा। मलाई बराज का मुद्दा था वहाँ पे अहम। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो क्या आप मेरे लिए विधानसभा में एक लड़ाई का मंच है, मेरे लिए विधानसभा अय्याशी का केंद्र नहीं है। मैंने कहा है मैं डुमराव में रहूँगा, अस्थायी तौर पर रहूँगा और रोज़ मिलूँगा, चाय पीते हुए, पान खाते हुए, तो मैं रोज़ मिलूँगा। और ये मलई बराज का सवाल मेरे लिए अहम सवाल, सिर्फ मलई बराज का नहीं, मैंने कहा कि डुमराव का गौरव वापस करना है, वो गौरव जिसने डुमराव को एक पहचान दिलाई, एक औद्योगिक इलाका बनाया जहां से हमारे लोगों को रोजगार मिलेगा, सिर्फ डुमराव को नहीं बल्कि पूरे शाहबाद को। और मैं अपनी लड़ाइयों से कभी पीछे नहीं जाऊँगा, ये लड़ने के लिए जनता ने मुझे चुना है, युवा को कि लड़ेगा जा करके, और मैं अपनी लड़ाई को मजबूत करूँगा। मतदाता को मेरे तरफ से प्रणाम, चरण स्पर्श, आदाब, और जनता मेरी मालिक है इस लोकतंत्र में, और जनता को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि आपने तहे दिल से हमारी मदद की और इस लोकतंत्र की रक्षा करने में आप मीडिया कर्मियों का और हमारी जनता का अहम भूमिका है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ बक्सर की जनता का कि मैं और तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि इस लोकतंत्र के महापर्व में जनता ने मुझे मैंडेट देकर जिताने का काम किया है और बक्सर की लोकतंत्र की रक्षा जनता ने की है। मैं सबको पुनः प्रणाम, आदाब, सलाम करते हुए नतमस्तक हूँ। सुफड़ा बड़ा साफ नहीं हुआ, अभी बिहार में हम लोगों को कायम होना है, अभी घबराने की बात नहीं है। गिनती जैसे जैसे गिरती जाएगी वैसे हम लोग बढ़ते जाएंगे, घबराने की बात नहीं है। विधानसभा पे कब्जा अगले बार भी कब्जा था, इस बार भी कब्जा है, बनेगी बनेगी सरकार बनेगी।